हम सिंधुदुर्ग में आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें एहसास हुआ है कि यहाँ पे इतनी बारिश है कि आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और सिंधुदुर्ग फोर्ट में जाने के लिए यहाँ से सभी नाव वगैरह जो होती है पूरी सर्विसेज बंद है, तो यहाँ से हम अंदर नहीं जा सकेंगे। तूफान बारिश की वजह से कोई भी यहाँ घूमने के लिए नहीं आया है, पूरे बीच पर सिर्फ हम ही है। इस मौसम में बारिश इतनी है कि मैंने अपनी हेलमेट और जैकेट भी निकाला नहीं है, उतनी ही ठंडी भी है, हवा भी तेज है। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है। बारिश की वजह से सिंधुदुर्ग किला यहाँ से धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। हमने सोचा था कि इस मौसम में हम किले में जाकर आएंगे, लेकिन इस मौसम में किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। हमें किले तक जाने के लिए यहाँ से बोटिंग सर्विस मिलती है। इस जगह पर भी कोई नहीं है। समंदर पर हवाएं इतनी तेज है कि ज़्यादा देर तक हम यहाँ तक रुक नहीं सकते। सभी जगह सिर्फ पानी ही पानी है। किले का ये नज़ारा सिर्फ आपको बारिश के दिनों में ही देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ से हम अभी वापस जा रहे हैं। अभी खाना वगैरह खाकर हम फिर वापस चले जाएंगे, क्योंकि घूमने के लिए अभी यहाँ पे ऐसा मौसम भी नहीं है और ज़्यादा देर तक हम घूम भी नहीं सकते यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।